भाजपा की जोहार जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार को जामताड़ा के कारमाटाण पहुंची। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने नंदन कानन स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं गणपत चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में भाजपा सरकार ने कितना विकास किया है उसका हिसाब देने आया हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कारमाटाण प्रखंड का नाम बदलकर विद्यासागर के नाम से करने की भी बात कही। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में झामुमो पर भी जमकर निशाना साधा। उनका बेटा लगा बड़े बहू लगा जामा तो यहाँ के संसार नौजवान नियुक्त किया कहा जाएगा राजनीतिक चुनाव लड़ने के। ये बात भी खासकर हमारे संथाल भाई बहन को समझने के बहुत ठगा आप लोग को ठगा ना दीदी लोग इतना ठगा आप लोग को कि आप लोग को आज गरीब बना दिया और अपने मालो माल बन गया और घूम घूम के ये सेंटीएसपी एक्ट का उल्लंघन करने वाला सोरेन परिवार जहां एसपीटी एक्ट में आदिवासी आदिवासी को जमीन नहीं बेच सकता सीएनटी में थाना का अंदर जमीन ले सकता लेकिन एक गोला का रहने वाला सोरेन परिवार साहेबगंज में बरेठ में विधायक बना वहां भी पटना में जमीन खरीद लिया उल्लंघन करके दुमका में करोड़ों रुपया जमीन खरीद लिया। अभी मैं पाकुड़ गया था पकुड़िया में 200 एकड़ गरीब आदिवासी का जमीन ले रांची में जमीन ले लिया बोकारो में जमीन ले लिया धनबाद में जमीन ले घूम घूम के ये आदिवासी शोषक पार्टी जेएमएम गरीब आदिवासियों का जमीन।